डीडी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज देखिए ग्रुप डी के ऊपर आवश्यक बेसिक, मैंने ग्रुप डी बोला हुआ है, मतलब मैं उन सारे सवालों को, उन सारे टॉपिक्स को एक ही जगह पे मैं डील करने वाला हूं जो आपके ग्रुप डी के एग्जाम से जुड़े हुए हैं, और ये फास्टेस्ट फास्ट मेथड में होगा। भले ये आपको वीडियो देख के सारे चीज को समझने में 10 से 12 मिनट लगेंगे, लेकिन वो समझने के बाद जो अभी भी खुश नहीं है अपने तैयारी से और एग्जाम सर पे है, बोलते हैं कि सर मेरे पास ऐसे बहुत सारे रिक्वेस्ट आते हैं कि सर कुछ करो ना, तो इसके लिए मैंने इसे बनाया है इस सोच के साथ कि आप सुन के आश्चर्य हो जाएंगे, 4 घंटे में मोटा मोटी ग्रुप डी के सारे सवालों की बेसिक को पकड़ के 4 घंटे में एक लय में तैयारी करके आप अपने को एक जगह पर खड़े कर सकते हैं। तो इसे केवल एक वीडियो के रूप में देख के या 2 मिनट देख के निकल नहीं जाइएगा, स्थितियों को सही तरीके से समझते हुए अगर आपके दिल में कोई कशक है कि अभी तक मेरी तैयारी पूरी नहीं हो पाई है, तो ये एक मौका है जिसे आप हाथ से जाने नहीं देंगे। तो चलिए हम क्लास शुरू करते हैं। देखिए सारे बेसिक का समन्वय यहां पर एक साथ है, ठीक है ना। जैसे भिन्न से लेके, घातांक से लेके, दशमलव से लेके, प्रतिशत के ऊपर जो सवाल आते हैं उनको लेके, फिर आपके लाभ और हानि के जो सवाल हैं, और औसत के सवाल है, अनुपात के सवाल हैं, लघुतम समावर्तक से जुड़े हुए जो सवाल हैं, ये सारे सवाल को, चलिए इसको थोड़ा अच्छी तरह हम समझते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो इस भीड़ से थोड़ा समझने में प्रॉब्लम होगा। लेकिन इसमें मैं ये बोल दूँ कि 26 से ऊपर ज़्यादा क्या कहते हैं इसमें चीजें हैं। तो पहला हम देखिए भिन्न क्या जोड़, लोग बहुत सारे गणित तो सीख रहे हैं लेकिन यह समझ में नहीं आ रहा सर मेरी भिन्न की जोड़ में प्रॉब्लम है, तो ये 4 से 5 मिनट में भिन्न की जोड़ सीख लेते हैं। फिर बोला जाता है भिन्न को प्रतिशत में, भैया ये देखो बेसिक से जुड़ा हुआ है, एक सवाल आता है कि 4 घंटा पूरे दिन का कितना प्रतिशत है, तो देखो ये भिन्न का ही तो प्रतिशत निकालना है, तो यह हमें जानना जरूरी है। भिन्न के घटाओ, जी हाँ अभी भी लोगों को तकलीफ है इसमें, प्रतिशत को भिन्न में चेंज करो। प्रतिशत को भिन्न में चेंज कब किया जाता है, जब हम लाभ हानि के सवाल या प्रतिशत के सवाल को बोलते हैं, हम बोलते हैं कि 1/4 प्रतिशत लाभ है, तो हम अगर उसकी हमें कन्वर्ट नहीं करते हैं 1/4 को प्रतिशत में, तो फिर क्या है हम उस सवाल को कर ही नहीं सकते हैं। तो इस तरह से फिर है भिन्न का गुणा, लोग बोलते ही हैं कि सर मेरे को काटने कूटने में प्रॉब्लम है, तो भैया ये भिन्न का गुणा और भिन्न के भागा से ही तो जुड़ा हुआ ये सारी चीजें, इन दोनों को आप नहीं करेंगे तो फिर आप किसी भी गणित में काटना पीटना आपके लिए बड़ा मुसीबत वाला कहानी होगा। तो ये आपकी तैयारी में अगर अभी भी प्रॉब्लम है तो इसको जानना जरूरी है। फिर देखिए अनुपात का बेसिक, अरे आप भिन्न जब जाने, भिन्न का ही तो दूसरा नाम है अनुपात का बेसिक है, ये कैसे लगता है यहां से, ये कैसे आप यहां पहुंच जाएंगे अनुपात के बेसिक सवाल को कैसे करेंगे आप, ठीक है ना। और बेसिक सवाल का मैंने बात किया है, जैसे बोला जाता है कि 5 जन का उम्र बता दिया, बोला 6 दोस्त है, 5 जन का उम्र बता दिया, और 6ठे का उम्र पूछता है, और सास में आपको सबका जो है उम्र का अनुपात दे देता है, तो ये तो आपके उम्र के जुड़े हुए सवाल देखो बेसिकली अनुपात से निकल के जा रहे हैं ना, तो ये तो आपके ग्रुप डी के एग्जाम के लिए सबसे बड़ी चीज आना ही है इसे, तो फिर आपको यहां से यहां पहुंचना है, तो ये भी आपकी तैयारी नहीं है। तो वो अब देखो ये 5 का क्यूब और 5 का इनवर्स क्यूब में क्या अंतर है, केवल 2 मिनट लगता है यार, फिर इसके आपका गुना, अभी भी आपको बहुत लोगों की अभी ये प्रॉब्लम हो सकती है। अब देखो इसके सरलीकरण तो ये आना ही आना है, ये आपकी तैयारी में कहां तक स्थान पाया है, दशमलव का जोड़ है, दशमलव के घटाव है, फिर आप देख लीजिए दशमलव के ऊपर भी सरलीकरण के टाइप होते हैं जो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करते हैं, कितना दिन लगेगा यार सीखने में, 5 मिनट। ये देखिए अभी भी आप समीकरण से त्रस्त हैं, तो समीकरण को जानने के लिए भी एक कहीं तो होना चाहिए, तो मतलब आपके पास एक ऐसी चीज होना चाहिए जिसमें सब कुछ है, आप लेके शुरू करते हैं 4 घंटे में खत्म कर देते हैं। बोला कि किसी चीज की लागत कितनी होगी, जब 12% लाभ पर वो 220 रुपए में बेचता है तो लागत मूल्य क्या है, तो यही तो सवाल है भाई लाभ और हानि के जो ग्रुप डी के आने वाले हैं। फिर है कि
5% से कोई चीज बढ़ के 444 रुपया हो गया तो पहले का कितना था वो बताइए, तो ये सवाल भी तो है ही है। अब देखिए 400 से बढ़कर कोई चीज की कीमत 450 रुपये हो गए तो प्रतिशत कितनी वृद्धि हुई है। या आप समझ लीजिए कि इन सारे 4, 7, 35, 28 का लघुतम समावर्तक निकालना है या इनका महत्तम समावर्तक निकालना है, या आप कहेंगे कि 1/15, 4/12, 5/125 का महत्तम समावर्तक निकालना है या उनका लघुतम समावर्तक निकालना है, या आप बोलिए कि ये दशमलव की संख्या 1.098.761.008 का लसर मसर निकालना है। इस तरह के बहुत सारे मुद्दे हैं जो केवल 4 घंटे में तैयार किए जा सकते हैं। तो इस वीडियो में अब मैं दिखा रहा हूं ये कहां मिलेंगे आपको, तो बस आप सिंपल से काम कीजिए, आप क्या करते हैं गूगल में जाके सर्च कीजिए। क्या सर्च करेंगे? ddacademy.co.in/general/, इसको आपको लिखना होगा। और चलिए एक काम करता हूं, मैं खुद इस साइट को, ये साइट फ्री है, कोई एक पैसा कुछ भी नहीं है, तो इस साइट में जाके जो चीज का मैंने अभी डिस्कस किया है उन चीजों को आपको तरीके से दिखाता हूं। तो उसके पहले इसको जरूर लिख लीजिए ddacademy.co.in/ बोलते हैं, फिर जनरल, फिर ये स्लैश। अब इसको आपने जरूर लिख लिया होगा। अब चलिए कि हम साइट पे जाते हैं और देखते हैं कि हमें वहां पे क्या मिलेगा, कैसे करना है, उन चीजों को देख लेते हैं। तो फिर समझ लीजिए कि आपके लिए एक वरदान की तरह झट से बहुत सारे चीज निकल गए और एक ही जगह पे कर लेते हैं। कोई पैसे की कोई जरूरत नहीं होता है इसमें, केवल आपका दिल में वो सोच होना चाहिए कि चलो यार कम से कम 4 घंटे में किसी ने दिया है तो मैं पहला 4 घंटे व्यतीत करके जान लेता हूं, फिर अगला 2, 4 घंटे, 8 घंटे में प्रैक्टिस करके हम उस जगह पे पहुंच जाते हैं जहां पे पहुंचने के लिए लोग महीनों खर्च करते हैं। तो चलिए हम उसे भी देखते हैं। देखिए उसके लिए क्या करना होगा, आपने जो अभी देखा ये इन सारे क्या कहते हैं वीडियो को, इसको सीखने के लिए सारा किसके लिए आपको क्या करना होगा, तो मैं प्रैक्टिकली करके दिखाता हूं। ये मेरे साइट पे है, तो आप गूगल क्रोम को आप खोलते हैं, गूगल को खोलते हैं, चाहे आप क्या कहते हैं डेस्कटॉप में खोलते हैं, चाहे आप अपने क्या कहते हैं मोबाइल पे खोलते हैं। आप उसके बाद जो है यहां पर देखिए आप क्या टाइप करते हैं, आप करते हैं डी डी अकेडमी, ठीक है ना, डी डी एकाडेमी, ठीक है, ddacademy.co.in, फिर एक स्लैश का सिंबल देते हैं, फिर लिखते हैं जनरल general, फिर आप एक स्लैश का सिंबल देते हैं, फिर आप इसको एंटर कर देते हैं। तो देखिए ये आपका DD Academy लर्न विथ फन, मैंने जो बोला ये साइट आपका खुल जाता है। इस साइट के अंतर में अब देखिए गणित में, सॉरी ये कमजोर के जगह कंजोर हो गया है, आई एम रियली सॉरी। अब आपकी बारी है, आओ शुरू करें, दुनिया को दिखाएं। अब हमने देखिए यहाँ पे ये इतने सारे जो फैक्ट्स दिखाए हैं, आप एक दिन में भी कर सकते हैं 4 घंटे में, और 5 दिन में 4 बार रिविजन करके पूरी तैयारी कर सकते हैं। उसके लिए एक वीडियो भी दिया है कि कैसे आप करेंगे इस चीज को समझने के लिए, यहां पे ये वीडियो रखा हुआ है, वीडियो को भी आप देख सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, देखिए आप जब भी पढ़ रहे हैं इसके साथ साथ टेस्ट देने की सुविधा है, तो टेस्ट देने के लिए यूजर नेम और पासवर्ड यहीं पे दिया हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं, अभी हमने जितना आपसे क्या कहते हैं कि जैसे भिन्न का जोड़ लिखा था, देखो यही भिन्न का जोड़ है, और बोला गया है कि केवल 2 मिनट, इसके अंदर जो वीडियो है वो केवल 2 मिनट की वीडियो है, आप 2 मिनट से आप इसको जान लें, ठीक है ना। ये देखिए 2 मिनट की वीडियो है फ्रैक्शन के, इससे जान लें। और उसके बाद बोला गया है कि आप 5 मिनट की प्रैक्टिस कर लो यार, तो कहने का मतलब है कि एकदम अलग चीज है, आपको 20 मिनट का लंबी कहानी नहीं हो रही है। फिर उसी तरह आपका देखिए आपका भिन्न का घटाव है, फिर इसकी 5 मिनट की प्रैक्टिस कर लेते हैं। इसको जब आप जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो क्या होता है, देखिए यहां से एक आपको ऑनलाइन एग्जाम देने का निकल पड़ता है, जिसका मैंने यूजर नेम और पासवर्ड दिखे आपको दिखा होगा ऊपर मैंने दिया हुआ है, तो ये आपके पास है। तो फिर आप जैसे सीखते हैं
तुरंत आप क्या करते हैं, एग्जाम दे देते हैं। तो ये एग्जाम देने के बाद आपके पास मार्क्स भी आ जाते हैं, आपका कहाँ गलत हुआ कहाँ सही हुआ आपको पहचान में आ जाता है। तो तैयारी प्रक्रिया का तो संपूर्णता का यही नाम है ना। अब देखिए, भिन्न का गुणा, भिन्न का भाग, फिर देखो अभी जैसे बोला था 5 का क्यूब, 5 का माइनस क्यूब जो है, इन दोनों का मतलब क्या है? ये केवल 2 मिनट में जान लीजिए और प्रैक्टिस के लिए 5 मिनट लगा दीजिए, जो अभी हमने सारा कुछ किया, ठीक है ना। जैसे अभी देखिए दशमलव के जोड़ है, ठीक है ना, और इसकी 5 मिनट की प्रैक्टिस, तो जानने के लिए 3 मिनट, प्रैक्टिस के लिए 5 मिनट, ये भी देखो घटाव है। तो ये सारे जो भी आपने नहीं जान रहे हैं, और आप ये नहीं बोल सकते हैं कि आपकी ग्रुप डी एग्जाम में ये सब का अगर नहीं जानते आप, ग्रुप डी की मैथ आप ऐसे ही दे देंगे, नहीं हो सकता है, ठीक है ना। कि इसके ऊपर सरलीकरण आते ही हैं, आप कहां से बोल देंगे कि ये सब नहीं आता है? आपको अगर समीकरण का पता नहीं है तो कैसे आप ग्रुप डी को तोड़ देंगे महाराज, कैसे तोड़ देंगे? तो ये सारी चीज जरूरी है। और ये सब क्या है, 4 मिनट 5 मिनट 6 मिनट 7 मिनट, देखो क्या है, अगर नहीं जानते हैं तो जान ले अगले 8 मिनट में और प्रैक्टिस करके पक्का कर लें। अब सवाल है कि सर मेरे पास 8 मिनट भी नहीं है, 3 दिन के बाद एग्जाम है। तो भाई थैंक यू, कुछ नहीं किया जा सकता है। अगर करना है, जानना है, तो आपको इन चीजों के अंदर से गुजरना ही होगा, तभी आप कुछ कर सकते हैं। तो मैंने जो सारी चीजों को देखा, आप समझे इसको कैसे डाला हुआ है। जैसे मैंने प्रतिशत के बेसिक पार्ट वन का 8 मिनट में, हमने प्रतिशत पे बहुत सारे सवालों को हमने चर्चा किया था। अब देखिए ये सारे सवाल को जो है, ठीक है ना, देखिए 2 साल में 70% के दर से उत्पादन बढ़कर 850 टन हो गया, तो 2 साल पहले का उत्पादन कितना टन था? यही तो आपके ग्रुप डी के सवाल है, यही तो है। 2 साल में 5% वेतन बढ़कर 2100 हो गया, तो 2 साल पहले वेतन कितना था? यही तो है। राम किसी वस्तु को 40% के लाभ पर बेचकर 850 रुपए में बेचता है, तो लागत मूल्य क्या है? यही तो आपके सवाल हैं ग्रुप डी के। राम किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचकर 720 रुपए में बेचता है, तो 30% लाभ पर बेचना चाहे तो कितना में बेचेगा? क्या आप बोलते हैं कि ग्रुप डी में इस तरह के सवाल नहीं आते हैं? तो लेकिन साथ साथ ये बेसिक से भी जुड़े हुए हैं। तो ये सारे सवाल यहां पे दिए गए हैं, ये आपके 8 मिनट का ना, ये कुछ लंबा है, मतलब तैयारी। देखो मजे की बात, ये तैयारी 8 मिनट की है, और इसके ऊपर टेस्ट देते हैं तो वो 5 मिनट के, टोटल मिलके 13 मिनट की है। लेकिन ये 13 मिनट में तैयारी नहीं हो सकता है, 2 बार तो कम से कम इस पर प्रैक्टिस करना ही जरूरी है। अब आते हैं प्रतिशत का बेसिक पार्ट 2। देखो केवल 6 मिनट में, इसमें भी वही सवाल है, तरह तरह के सवाल। तो आप ये नहीं बोल सकते कि नहीं मेरे को ये ग्रुप डी में ये सब नहीं आएगा। मैंने हर पहले ही बोला है, हर का। अब एलसीएम का देखो बेसिक है, केवल 4 मिनट का है, आप नहीं बोल सकते कि 4 मिनट में एलसीएम मेरे को नहीं सीखना है। ये देखो मौसा है, केवल 4 मिनट का बेसिक है। अब जैसे ही आप सीख लिए फिर भिन्न का भाई, तो आपको लसब पूछा ही जाता है, वो भी 4 मिनट का है। तो आप कहां से बोल देंगे कि आपको जरूरत नहीं है? ये देखिए मसा भिन्न बेसिक, ये दशमलव का लस, जितना मैंने आपसे अभी जिक्र किया, घातांक का लघुतम समावर्तक, अगर आपका ये भी जानते हैं, ये भी तो आपके पूछे जाते हैं। ऐसा कि नहीं है कि इसके नहीं पूछे जाते हैं, बहुत आप अच्छी तरह जानते हैं। इन सब के 2^2, 2^4, 2^5, इसका लघुतम समावर्तक क्या होगा, इसका महत्तम समावर्तक क्या होगा, ठीक है ना। आधार जब बराबर हो तब क्या होता है, जब आधार बराबर नहीं होता है तब क्या होता है, ये सारे सवाल जो है। और ये ग्रुप डी क्या आपके बहुत सारे आते हैं, इनका मौसा निकालना बहुतों को अभी तक पता नहीं है। फिर देखिए ये जो है रिकॉर्डिंग जो चीजें हैं, ठीक है ना, रिकॉर्डिंग डेसिमल जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, इसको भिन्न में बदलने के लिए, ये किस एग्जाम में हर 2 साल के बाद देखने को मिलता है, यहां को इसको मैंने बेसिक में डील किया हुआ है। तो आप देखें इन सवालों को है को, इसको भिन्न में बदलें, या इनको बोला जाता है कि रिकॉर्डिंग डेसिमल में बदलें। तो ये सारे के सारे इसके अंदर में दिए हुए हैं, और आपको कुछ नहीं करना है। जैसे औसत के सवाल है बेसिक के, ठीक है ना, फिर बेसिक का लाभ और हानि का है,
फिर बेसिक का अनुपात से प्रतिशत है। तो आशा करता हूं कि इतना ज्यादा भरमार कहीं पर भी किसी के पास आपके को देने के लिए नहीं है। आप जरूर इसे करें और चार दिन में जो आप दूसरों की कंधा और ढूंढ रहे हैं तो बेसिक के साथ साथ ग्रुप डी का जो है आपको करना है। अभी जरा इसको नोट डाउन कर लीजिए, क्या लिखा हुआ है, ddacademy.co.in/general/। यही आपका है, आप इसको आप डाल दें गूगल में, तुरंत ये साइट खुल जाएगा, आपकी तैयारी आप यहां से शुरू कर सकते हैं। आप लोगों ने समय दिया इसलिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।